Good morning, student. Today we discuss the various advantages of CRM. CRM means customer relationship management ke hum advantages karenge. So let's we start with the first ones. Increase sale revenue and reduce cost of sale. तो कहता CRM हमें क्या help करते हैं कि हमारा जो sale revenue है कहता वो हम customer के साथ relationship build करके उनके related information gather करके हम क्या अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करते हैं और हम क्या है जो अपना टाइम है ठीक है वो क्या है अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है लाइक मैनुअल वर्क करते थे पहले हम क्या है एक एक पर्सन का कस्टमर का डाटा रखना फिर उस डाटा को स्टोर करना है ना तो कहता वो जो कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीज हो गई है ठीक है तो कहता हमारा जो क्या है सेल रेवेन्यू बढ़ रहा है विद दी हेल्प ऑफ कहता CRM और हमारी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है तो कहते CRM एज ए कहता पार्टनर काम करता है रेदर देन द सब्जेक्ट फॉर रेवेन्यू नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो कहते हैं CRM क्या हेल्प करता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें उनकी क्या नीड्स हैं वॉन्ट्स हैं उनको इफेक्टिवली कहता फुलफिल करने में हेल्प करता है तो CRM कहता फर्स्टली क्या है अंडरस्टैंड करता है कि क्या कस्टमर की नीड्स क्या है उनका प्रॉपरली डाटा रिकॉर्ड करता है ठीक है जिससे पता चलता है कि कस्टमर कब कब क्या है कौन से प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्या नीड्स है जिससे हम क्या है कस्टमर को क्या है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके तो कहते हैं ये क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा कि कस्टमर की नीड क्या है ठीक है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट उस पर वर्क करेंगे और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग कस्टमर अब क्या है हमारी जो कहता है CRM इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कहता है इसने जो कस्टमर रिक्रूटमेंट है उसको क्या है कहता कम कर दिया है लोअर कर दिए कॉस्ट कहता कॉस्ट रिलेटेड टू वेरियस कस्टमर रिलेशन ऑपरेशन लाइक हमने कॉन्टैक्ट करना है मेलिंग मार्केटिंग सर्विसेज फॉलो अप करना है तो ये सारी कॉस्ट क्या है रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ CRM सॉफ्टवेयर तो कहते हैं जब हम CRM कहता इफेक्टिवली कहता है इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कहता कस्टमर है फॉर मेंटेनिंग साउंड बिजनेस रिकॉर्ड कहता उनकी ज़रूरत नहीं है हमारी वो क्या है जो कॉस्ट है वो कम हो गई है नेक्स्ट है इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी तो कहता हमारा जो इम्प्लीमेंट करते हैं CRM कहते हैं इससे क्या है हमारे कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है वो हमारे क्या है बिजनेस के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हमारे साथ रहते हैं तो कहता है बाइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर कहता है इंक्रीज़ होती है दे बाई इन बल्क कम्युनिकेट देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस तो कहते हैं प्रॉपरली कहता कम्युनिकेट करते हैं कहते ये हमें क्या हेल्प करने रिलेशनशिप बिल्डअप हेल्प करने में हेल्प करती हैं तो कहते हैं CRM की वजह से क्या है हमारे जो कस्टमर है वो अपनी क्या है नीड्स कहता बताते हैं जिससे क्या है हम उनकी सेटिस्फाई करके नीड्स को उनको लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रिटेन करके रखते हैं नेक्स्ट है कस्टमर नॉलेज तो कहते हैं CRM क्या है हेल्प करता है हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कहता जिसको हम क्या है कहता सारे डिपार्टमेंट क्या है हमारे असेस करते हैं उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही कस्टमर की नीड्स के बेस पे क्या है सभी डिसीजन लेते हैं कि कैसे हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन तो कहता सिंपल एंड कस्टमाइजेशन सॉल्यूशन आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ CRM तो CRM कहते हैं ईजली डिफरेंट जो हमारे बिजनेस प्रोसेस है उनकी जो ऑपरेशंस है उनको क्या है इंटीग्रेट करता है कहते हैं CRM हमें क्या है एनेबल करता है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसमें भी मॉडिफिकेशन होती है विच एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मॉडिफाई इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस नीड अगर बिजनेस की नीड में कोई चेंज आती है तो CRM हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करने में नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ CRM रिक्वायर्ड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट तो कहता अगर हमने CRM को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है तो कहता विदाउट द एब्सेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते हैं कहता ईच एंड एवरी एक्टिविटी अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट है कहता रिक्वायर्ड होगी कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग कहता CRM कॉम्प्लिकेटेड है जिन ऑर्गेनाइजेशन में कहता है इम्प्लीमेंट किया जाता है कहता कन्फ्यूज कर देता है कहता इसके डिफरेंट फीचर्स है यूज़ है ठीक है तो सम ऑर्गेनाइजेशन कहता लिंक करते हैं इसको बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ वाइल अदर कहता इसको जस्ट क्या है टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट ही समझते हैं
प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन, तो कहता है अगर इनकोरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो कहता है इससे क्या है, सेवरल बिजनेस हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अगर एक भी डिपार्टमेंट स्किप हो जाता है, वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता सीआरएम नेटवर्क में, तो कहता है जो भी इंफॉर्मेशन डिवेल्प होगी वो क्या है, कंप्लीट नहीं होगी, रिलायबल नहीं होगी, तो कहता है हमारे जो डिसीजन है वो भी कहता फिर डाउटफुल ही होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फेल्स टू सर्व इंटरेस्टेड कस्टमर, तो कहता CRM हमें क्या हेल्प करता है, हमें सर्व करता है कौन से हमारे सेटिस्फाइड एंड रेगुलर कस्टमर है। समटाइम कहता हम क्या है फेल हो जाते हैं, कुछ कस्टमर जो अभी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है जिन्होंने, उनके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते ड्यू टू कहता लॉस ऑफ सच कस्टमर, कहता जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, कहता अगर हम क्या है इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं CRM, कहता देन स्टिल हम क्या फेस करते हैं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, कहता फील करते हैं हमारे कस्टमर फेस करते हैं डिससेटिस्फेक्शन, कहता इवन हमने क्या है इम्प्लीमेंट CRM किया हुआ है। ट्रेनिंग की फ्रंट लाइन स्टाफ, कहता फ्रंट लाइन सपोर्ट स्टाफ नीड अप एडिक्वेट ट्रेनिंग एज दे आर स्टिल नॉट कस्टमर फोकस्ड, कहता हूँ जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ मेम्बर होते हैं उनको क्या है हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने क्या है सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRM सिस्टम एज ए CRM विल ओनली बी इफेक्टिव इफ़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड यूटिलाइज, कहता उन्हें क्या है ट्रेनिंग देनी चाहिए किस तरह से उन्होंने CRM को इम्प्लीमेंट करना है यूज़ करना है, कहते CRM तब ही हेल्पफुल होगा जब क्या है उसको प्रॉपरली इंस्टॉल्ड किया हुआ है और हम क्या है यूटिलाइज कर रहे हैं। एनीवन हैज़ डाउट?